भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध का दसम अध्याय का 60 से लेकर 64 तक पाठ करेंगे। 60 से 63 तक कोई परपोट नहीं है, तात्पर्य नहीं है, इसलिए 64 में हमें थोड़ा बहुत है तो वहाँ तक हम ये करेंगे। तो बोर्ड पर 60 में है उसको हम उच्चारण करेंगे, आप लोग भी अनुच्चारण करेंगे। सिद्धामृतरसस्पृष्टाम् वज्रसारा महौजसः उत्तस्थुर्मेघदलनाम् वैद्युता इव वह्नयः 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 सिद्धामृतरसस्पृष्टाम् वज्रसारा महौजसः उतस्थुर्मेघदलनाम् वैद्युता इव वह्नयः सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः उतस्थुर्मेघदलनाम् वैद्युता इव वह्नयः माताजी सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः उत्तस्थुर्मेघदलनाम् वैद्युता इव वह्नयः सिद्धारसस्मृतस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः उतस्थुर्मेघदलनाम् वैद्युता इव वह्नयः सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः उतस्थुर्मेघदलनाम् वैद्युता इव वह्नयः। शब्दार्थ सिद्धामृतरसस्पृष्टः शक्तिशाली योग के अमृत का स्पर्श पाकर
असुरगण वज्रसारह, जिसके शरीर वज्र के समान हो गए हैं। महौजसह अत्यंत बलिष्ठ, उत्तस्थु फिर से उठ खड़े हो गए। मेघदलना बादलों के चीर कर जाने वाले। वैद्युताह बिजली जो बादल को चीर देती है। इव सदृश बन्हयः अग्नि जैसे। अनुवाद, असुरों के मृत शरीर इस अमृत का स्पर्श करते ही वज्र के समान अभेद्य हो गए। अतीव बल प्राप्त कर लेने के कारण वे बादलों के विदीर्ण करने वाले बिजली की भांति उठ खड़े हो गए। तो 62-63 ये भी यहाँ तक भी चलेंगे, मैं केवल पढ़ता हूँ। विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्क वृषध्वजम तदायम भवान विष्णु तत्रोपायम कल्पयत। शिव जी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि मयदानम द्वारा उत्पन्न इस उत्पात को किस प्रकार रोका जाए। 62 वत्साश्चासीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ। तब ब्रह्मा जी बछड़ा और भगवान विष्णु गाय बन गए और दोपहर के समय आवास में प्रवेश करके वे कुएं का सारा अमृत पी गए। ते असुरा ह्यपि पश्यन्तो नान्यसेधन विमोहितः तद्विजाय महायोगे रसपालानिदं जजौ जगौ। स्मयन् विशोक शोकार्तन् स्मरन् दैवगतिं च तात्। असुर ने बछड़े तथा गायों को देखा लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न मोहशक्ति के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। महायोगी मय असुरों को पता चला गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं और वह यह समझ गया कि वह अदृश्य दैवी शक्ति के कारण हो रहा है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला। 64 देव सुर नरो अन्यो वा नेश्वरोस्तिह कश्चन आत्मन्यो अन्यस्य वा अदिष्टं दैवे नापोहितुं द्वयः। मयदानम ने कहा, जो अपने दूसरों के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, चाहे वो देवता असुर मनुष्य या अन्य कोई क्यों ना हो। तात्पर्य, परमेश्वर एक है, कृष्ण या विष्णु तत्व। कृष्ण अपना विस्तार स्वांश विष्णु तत्व के रूप में करते हैं, जो सबको नियामक है, सबका नियामक है। मयदानम ने कहा, चाहे मैं योजना बनाऊं या तुम या हम मिलकर योजना बनाएं, होना वही है जो भगवान ने रच रखा है। उसकी अनुमति के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं होगी। हम अपनी कितनी ही योजनाएं क्यों बनाएं न बना लें, भगवान विष्णु के अनुमति के बिना वे कभी भी सफल नहीं होंगे। सभी प्रकार के जीवों द्वारा लाखों योजनाएं बनाई जाती हैं किंतु भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ हैं।
ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं पादं श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखदरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्ठितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः गोपस्त्री परिवेष्ठितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानन्दमाधवं देवसुर नरोन्योवा नरेश्वर अस्ति कश्चन आत्मन्यस्य वादिष्टं दैवेन उपहितं द्वयोः मयदानव ने कहा जो अपने दूसरों के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता चाहे वो देवता असुर मनुष्य या अन्य कोई क्यों ना हो। तो हम लोग प्रहलाद भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज का शीर्षक ये अध्याय हम अध्ययन करते आ रहे हैं। तो प्रसंग है जो त्रिपुरारी भगवान शंकर किस प्रकार अपदस्थ हो गए थे तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण भगवान को भक्तों का बहुत ख्याल रहता है। कभी उन्होंने अपना भक्तों का तिरस्कार नहीं देखना चाहते हैं। तो उस प्रकार
आप लोग जानते हैं कहानी किस प्रकार, जब दैवासुर संग्राम में असुर ने परास्त हो गए तो उन्होंने इस प्रकार सब मिलकर जाकर असुर गुरु जो मय दानव उनके पास गए, तो उनसे उनके शरण में जाकर उनसे बोले कि हम आपके ही हैं, तो आपके सुरक्षा बिना हमारी गति नहीं है। ये देवता लोग जिस प्रकार हमार पर बार बार कर रहे हैं, तो हम लोग मर रहे हैं, तो आपका सहायता हमें चाहिए। तो असुर ने मय दानव ने तो माया भी तो था ही, तो उनका बहुत सारी विद्या, दानव मायावियों को बहुत सारी विद्या ज्ञात होता है, तो उन्होंने अपना शक्ति बल से तीनों स्वर्ण और चांदी और लौह निर्मित तीनों वाहन बनाए, जो कि इस प्रकार था कि बहुत विशाल काय थे और उसका अंदर सारे सामग्रियां भरपूर थे। और उसका खूबी यही है कि जब वो आकाश मार्ग में वो यातायात करता है तो अदृश्य रूप से किसको देखा ही नहीं पड़ता था। इस प्रकार असुर ने उस पर सवार होकर छिपकर देवताओं पर वार करने लगे, तो देवताओं ने बहुत आतंक में पड़ गए। तो उन्होंने भगवान शिव जी का शरण में गए, बोले प्रभु हम आपके ही हैं, तो आपका कर्तव्य है कि हमारा सुरक्षा करना है। तो भगवान शंकर ने उनको अभय दिए कि आप लोग चिंता ना करें, तो आप लोग अपना अपना स्थान में जाएं। तो अपना योग शक्ति बल में बल से तो भगवान शंकर इसी प्रकार बाण छोड़ा कि तीनों विमानों को भस्मीभूत कर दिया। और कैसे ना, जैसे ही सूर्य से किरण निकलते हैं तो बाणों से इस प्रकार चिंगारियां और लपेट निकलकर पूरा वाहन को, तीनों को, तीन पुर है ना, त्रिपुर, तीनों वाहन को उन्होंने भस्मसात कर दिया। तो उसमें सवार हुए सारे दानव तो मृत शरीर वो वाहन से नीचे गिर पड़े। उसको देखकर मय दानव ने बड़ा चिंतित हुआ और उपाय सुझा कि अब मैंने एक अमृत कुंड बनाऊं। अमृत मतलब ये होता है कि आयुर्वेद के अनुसार एक रसायन होता है जिसको पान करने से और उसमें स्नान करने से तो फिर मृतक शरीर भी जीवित हो जाता है। तो उसी प्रकार उन्होंने उस अमृत कुंड बनाए और सारे मृत शरीरों को लाकर उनमें डाला। और तत्काल उन्होंने, ये कहते हैं सूर्य के नहीं, जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो उस प्रकार बिजली चमकते हुए बिजली के समान वो लोग उठ खड़े हो गए और फिर देवताओं के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वही प्रसंग अभी चल रहा है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने देखा कि ये दानव ने फिर उज्जीवित होकर फिर देवताओं के ऊपर वार करने लगे, तो भगवान विष्णु है, अंतर्यामी है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सके, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि कैसे अब भगवान शंकर का जो बाण है तो उससे मूर्छित एवं मृत प्राय ये सारे असुर जब अमृत कुंड में गिरे फिर पुनर्जीवित हो गए, तो इसके लिए भगवान विष्णु ने वा कृष्ण ने उपाय सोचा। तो क्या उपाय सोचा उन्होंने? तो सोचा ऐसे ही कि ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी आए तो उनसे बोले कि देखो ब्रह्मा जी, आप और मैं दोनों मिलकर एक काम करना होगा। क्या? ना आप बछड़ा बन जाओ, मैं गाय बन जाता हूँ, तो दोपहर के समय जब हम ये अमृत कुंड के पास जाएंगे
तो कोई समझ नहीं पाएंगे कि वो तो गाय बछड़े ही आए हैं, ऐसे चरते हैं तो घूम फिर के पानी पीने के लिए आते हैं, तो हम जाएंगे तो अमृत कुंड से सारे अमृत पी लेंगे। तो वही तो कहते हैं कि मैदानम ने हाँ, असुर ने बछड़े तथा गाय को देखा, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा उत्पन्न मोह शक्ति के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। देखते देखते वो गाय बछड़ा वो अमृत कुंड से सारे अमृत पी गए, लेकिन मैदानव समझ गया ये भगवान का अचिंत्य शक्ति एवं लीला शक्ति के द्वारा ये सब हो रहा है, लेकिन उसको वारण करने के लिए किसके शक्ति है, तो वो समझ गया। तो इसलिए ये अदृश्य शक्ति के द्वारा ये अमृत कुंड सूख रहा है, ऐसे ही सोचकर उन्होंने क्या कहा, महायोगी मय असुर को पता चला गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं, और वह समझ गया कि यह अदृश्य दैवी शक्ति के कारण हो रहा है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला। तो और कुछ उपाय नहीं है, कहाँ उपाय होंगे, जो ब्रह्मांड का नायक है, जब उनके उपाय सामने ये मैदानम का क्या उपाय सूझेगा, काम करेगा। तो उस मय ने इस प्रकार कहा, जो अपने दूसरे के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। ये बात असुरों को भी समझ में आती है कि परमेश्वर भगवान के द्वारा जो लिखा गया है, जिसके भाग्य में जो है, तो सारे ब्रह्मांड के लोग मिलकर भी उसको मिटा नहीं सकते, अन्यथा नहीं कर सकते, लेकिन एक ही व्यक्ति संसार में है जो ये ब्रह्मांड को बनाए हैं, वो कर सकते हैं और कर दिखाया है। एक तो उन्होंने अपना भक्तों का किस प्रकार तिरस्कार सहन न करना ये दिखाया है, और दूसरे है ब्रह्मा जी शिव जी जब इस प्रकार अपदस्थ हो जाते हैं, तो उस समय तो स्वयं अपना जो प्रभुता वो दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रकार उपाय सोचा है। ही है प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि परमेश्वर कृष्ण एक, परमेश्वर एक है, वो कृष्ण या विष्णु तत्व है, जिसको हम कहते हैं अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। तो सारे संसार में अकेले ही भगवान श्री कृष्ण ही समर्थवान पुरुष है, अथवा उनका जो विष्णु तत्व है वही समर्थवान है, और संसार में किसी का वश नहीं चलता। तो इसलिए मैदानम जब चिंतित तो हो गया क्या करें, और फिर उन्होंने समझ गया कि भगवान ये परमेश्वर है, श्री कृष्ण है, इनका शक्ति का सामने हमारा कुछ भी टिक नहीं सकता है, तो व्यर्थ परिश्रम। तो इसलिए उन्होंने अपना जो असुर दानव, तो उनसे वो इस प्रकार समझाते हैं। यही है श्रीमद् भागवतम का रहस्य कि कैसे भगवान का शरण में जाते हुए व्यक्ति का भगवान किस प्रकार सुरक्षा देते हैं। और भी हम देखेंगे, जब सागर मंथन हो रहा था, उस समय जब अमृत निकला तो उसको पान करने के लिए उभय देवता एवं असुर समान बल प्रयोग करके मंथन किया, और बहुत सारी चीज निकले हैं, कुछ तो असुरों के पक्ष में गया और कुछ देवताओं के पक्ष में गया, और कुछ भगवान विष्णु भी उनको ग्रहण किए। तो जब उन्होंने देखा कि अब अमृत के लिए दोनों विवाद कर रहे हैं, दानव एवं देवता, आपस में कोई समस्या नहीं निकल रही है, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इस प्रकार अनर्थ हो जाएगा, फिर मारपीट होंगे, ये असुर तो हमेशा देवताओं का विद्वेषी रहते हैं, हमेशा उनके विपक्ष में चलते हैं, तो फिर मारपीट करेंगे, फिर कुछ अशुभ घटना घटेगी, तो इसलिए भगवान
इस प्रकार रूप मोहिनी रूप धारण किया और धारण करके जब अमृत बंटन कर रहे थे उस समय वो दानव असुरों का पक्ष का एक दैत्य जो कि जिसका नाम था राहु, उन्होंने भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण किए बोले कि आप असुर और देवता दोनों लाइन में बैठ जाइए, चुपचाप शांत पूर्वक आप बैठ जाइए, मैं सभी को अमृत पिलाऊंगी। जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो असुर सब बैठ गए और देवता भी बैठ गए, लेकिन चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ साथ बैठे थे तो उनका बीच में जाकर राहु बैठ गया, लेकिन बोल नहीं सकते चंद्र सूर्य, ये लोग बड़ा प्रतापी होते हैं और मार डालेंगे, अभी फिर अशुभ कार्य अशुभ घटना घटेगी, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मोहिनी ने देवताओं के तरफ से लाइन से उन्होंने आरंभ किया अमृत बंटन। जब वो ये चंद्र सूर्य का पास आकर पहुंचा तो उन्होंने भगवान से मोहिनी रूप से जो नारी होकर जो बंटन कर रही थी तो उनसे बोले कि ये असुर है, वो उनको इंगित किए, संकेत दिए, मुख से तो आवाज़ नहीं की लेकिन इशारा कर दिया कि ये असुर है, तो वहीं पर रुक गए और उनके बोलते बोलते इशारा करते करते थोड़ा बहुत तो उनका हाथ में तो उनका पत्ता में आ गया और तुरंत तो उन्होंने पी लिया, तो फिर भगवान विष्णु ने उनका गर्दन काट दिया तो वो दो रूप हो गए। धड़ से जब सर अलग हो गया तो राहु बना सर और धड़ बना केतु। तो भगवान इस प्रकार हमेशा देवता मतलब दो प्रकार सृष्टि में दो प्रकार प्राणी होते हैं, एक तो देवता होते हैं जो कि भगवान का भक्त होते हैं और एक असुर होते हैं जो कि भगवान का विद्वेषी, भगवान का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्होंने हमेशा देवताओं के, क्योंकि देवता लोग ऐसे ही जो भक्त होते हैं भगवान के वो सारे नियम को पालन करते हैं, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन असुर हमेशा आप देखते हैं महाभारत में जो भी प्रण जो भी नियम रखा गया है पितामह भीष्म और शास्त्र के अनुरूप जो सब सिद्धांत के अनुरूप जो सब नियम था तो सारे नियम को कौरव पक्ष ने तोड़ डाला। पहला ये हुआ कि अकेले महारथी अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब फंस गए थे तो ये सात सप्तरथी मिलकर निरस्त निहत जो अभिमन्यु तो उनका ऊपर उन्हें बार किए। इस प्रकार असुर स्वभाव होते हैं, उन्होंने कोई नियम कानून को पालन नहीं करते हैं, हाँ हाँ तो बोलेंगे लेकिन कार्यम करेंगे उल्टा। लेकिन भगवान बड़े चतुर हैं, उनसे बुद्धिमान संसार में कोई हो ही नहीं सकता। नमे समस्ति अभ्यधिको कुतान्यः, मेरे भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे बराबर ये संसार में कोई नहीं है और मेरे ऊपर बा मेरे से ऊर्ध्व और कोई होगा वो विचार तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए भगवान सब जानते हैं, ब्रह्मा जी को शिव जी को बार बार बोलते हैं उन्होंने आप इस प्रकार वरदान क्यों देते हैं ये असुर लोगों को, जिसको वजह से हमको भी परेशान, मेरे भक्तों को भी और संसार जनता को भी सभी को परेशानी उठाना पड़ता है। तो भगवान हमेशा, क्योंकि देवताओं का स्वभाव ऐसे ही है भगवान को प्रसन्न करना और असुरों का यही स्वभाव होता है, वो तो भगवान को मानते ही नहीं, उनका अस्तित्व को मानते ही नहीं, ये तो कहते हैं कि बस खाना पीना ऐश करना, अयम अद्य मया लब्धम इमम प्राप्से मनोरथम, ऐसे ही उनका यही है, आज मेरे पास इतने धन है और भी बनाऊंगा और शक्तिशाली हो जाऊंगा, ऐसे ही उनका विचार है। तो इसलिए भगवान हमेशा अपना भक्तों का ख्याल रखते हैं, यही शिक्षा हमको इस त्रिपुरासुर बद्ध और मैदान का जो कहानी है तो ये शिक्षा हमको देते हैं कि किस प्रकार
भगवान का शरण में जाने पर भगवान किस प्रकार अपना भक्तों का ख्याल रखते हैं, इसका एक दृष्टांत हम दे सकते हैं कि रामायण हम लोग सभी देखे हैं और जानते भी हैं। जब रावण का भाई विभीषण जब बार बार उनको समझाने लगा कि भ्राताश्री आप जो कर रहे हैं वो अनुचित है, क्योंकि दूसरे का आप एक राजा है, बलवान है, तीनों भुवन को आप जय कर रखे हैं, एक सामान्य स्त्री का मोह में आकर दूसरे का पत्न को उठाकर आप भोग करने के लिए आप उनको अपना राज्य में अपना घर में लाकर छिपा कर रखा है, ये अनुचित बात है। आप नहीं जानते हैं जिनका पत्नी को आप अपहरण किए हैं वो कौन है, वो कौन है, वो साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु है, और अगर आप सदगति चाहते हैं तो तुरंत तो उनको वापस कर दीजिए। इस प्रकार सलाह देने वाले विभीषण को उन्होंने लात मारकर अपना राज्य से बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो थे ही तो बचपन से ही वो भगवान विष्णु का ही भक्त थे, तो उन्होंने आ गए आकर भगवान श्री राम के शरण लिए, तो उनके तो बहुत सारे परीक्षा हुई है, क्योंकि अपने जो वानर सेना थे तो उन्होंने समझा नहीं, और उन्होंने बहुत प्रकार भगवान श्री राम से कहे कि ये तो असुर रावण का ये भाई है, ये गुप्तचर है, ये हमारे सारे भेद को जानने के लिए यह आया है। लेकिन भगवान राम उन वानर सेनाओं से कहा कि देखो, कोई भी शरणागत भक्त शरण में आता है आपत्काल में, तो वो कितने भी शत्रु होना क्यों, उसका शरण देना हमारा कर्तव्य है, उसका सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो फिर राम रावण युद्ध हो रहा था, तो उस समय विभीषण ने देखा कि ये मायावी रावण जैसे मैदान मायावी, वो भी बड़ा मायावी था, तो उन्होंने कभी आकाश मार्ग में अनेक रूप हो जाता, माया रूप बनाकर अलग अलग स्थान पर, लेकिन भगवान राम यद्यपि वो परमेश्वर अंतर्यामी है, फिर भी नरल लीला करते हुए उन्होंने बड़ा द्वंद्व में पड़ गए, तो कौन है वो असली रावण। तो उस समय वो विभीषण देख रहे थे, तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि प्रभु आप ऐसे न करो, आपको मैं सलाह देता हूँ, आप इस प्रकार आप युद्ध करें और उस प्रकार विमान पर खड़े होकर युद्ध करना। तो जब इस प्रकार भेद रावण का जो भेद है, तो किस प्रकार अमृत कुंडल है, वो अमृत झरकर उस मुख में आएगा तो फिर जीवित हो जाता है, तो सारा भेद जब बता दिया, रावण सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत कुपित होकर उन्होंने अपना छोटे भाई विभीषण से कहा कि अरे भ्रातृद्रोही राजद्रोही, बाद में तो राम को मैं मार डालूंगा, पहले तुझे मारूंगा। तो इस प्रकार संकल्प करके क्रोध में आकर जब उन्होंने बाण छोड़ा, भगवान श्री राम देखो कितना भक्तवत्सल शरणागत पालक, भगवान किस प्रकार अपना भक्तों का सुरक्षा देते हैं। सामने आ गए अभेद्य बाण को छाती दिखाकर विभीषण का सामने आ गए और चोट लगा विभीषण का, सॉरी भगवान श्री राम जी का छाती में। तो विभीषण ने देखा, बोला प्रभु ही आपने ये क्या किया, ना बस मेरा प्रण ऐसे ही है, मैं प्रण करता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा सुरक्षा, और मेरे शरण में आने वाले व्यक्ति का शत्रु के द्वारा वो आहत हो और उसका नुकसान हो, ये कभी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का भक्ति करने से, भगवान का शरण में जाने से भगवान किस प्रकार भक्तों का सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये मैदानव कितना भी चाल चला, उनका चाल कुछ भी नहीं टिक पाया,
भगवान का सामने वो क्या कर सकता है। असुर भले ही बड़े बड़े वर प्राप्त करके देवता और मानव का ऊपर वो वार करते हैं, लेकिन अंततगत्वा पराजय उनका होता ही है, क्योंकि भगवान के सामने असुरों का कुछ भी नहीं चलेगा और चला भी नहीं। तो भगवान, यहाँ प्रश्न उठता है, जब भगवान इस प्रकार असुरों को विनाश कर सकते हैं तो उत्पन्न क्यों कर किया उन्होंने, ये संसार में ये असुरों को बनाया क्यों? तो सुर से ही उनको उच्छेद कर देते हैं, उस जो प्रजाति है उनको बिल्कुल लोप कर देते हैं, तो भविष्य में आपत नहीं आता। फिर ऐसे बनाए क्यों? फिर अब उनको उन समस्याओं को अब समाधान कर रहे हैं क्यों? अगर नहीं करेंगे, असुरों को संसार में देवता एवं मानव का साथ जन्म नहीं देंगे, तो हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः दुखालयम अशाश्वतम। ये इंद्रिय संस्पर्श से उत्पन्न होने वाला भोग प्राप्त करके ये संसार में जीने वाला लोगों के लिए वो बताते हैं कि ये क्षणभंगुर है, ये संसार क्षणभंगुर है, और इंद्रिय स्पर्श जनित जो सुख है ये भी आगमापाई है, आने जाने वाला है। तो इसलिए जो विद्वान व्यक्ति होते हैं न तेषु रमन्ते, वो विद्वान कभी उन संसार में रमण नहीं करते हैं। तो इसलिए जानते हैं कि ये संसार दुखालय है, तो उसको अवगत कराने के लिए भगवान अपना भक्तों के साथ दानव को भी उत्पन्न किए, उनका प्रताड़ना के कारण दुखित तो होंगे और यहाँ छोड़कर जाने के लिए प्रयास करेंगे। छोड़कर मतलब कहाँ जाएंगे, अन्यत्र कहाँ, इस ब्रह्मांड से किस ब्रह्मांड से जाएंगे, सभी ब्रह्मांड में एक ही स्वरूप है। कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मांड नहीं, ये ब्रह्मांड किसी ब्रह्मांड में जाने का ये नहीं है। यहाँ से जब हम जाएंगे अपने घर में जाएंगे और दूसरे ब्रह्मांड पराए घर में नहीं जाएंगे। क्या है, कौन सा घर हमारे है जहाँ इस प्रकार ये विपत्तियाँ ये आपत्तियाँ ये कुछ नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, ये है भगवत धाम। तो हमारा अपना स्वरूप भूत जो हमारा जो अपना जो खास घर है वो भगवत धाम है, वहीं से हम लोग आए हैं, वहीं से आए हैं। आए तो हम घूम फिरने के लिए, मन कहा चलो अमेरिका हम घूम कर आ जाते हैं, लेकिन अमेरिका गए तो वीसा भी खत्म हो गया, सब हो गया, लेकिन वहीं रुक गए। अमेरिका बहुत अच्छा है, वहीं रुक गए। तो एम्बेसी जो दूतावास है तो वहाँ से लोग उनको ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए ये, उनका वीसा खत्म है, तो उनको पकड़कर जेल में बंद करो और इंडियन एम्बेसी को खबर दो कि वो आकर अपना जो भी पेनाल्टी उसको चुकाएंगे और उसको छुड़ा कर ले जाएंगे। इस प्रकार भगवान हमको बार बार चेताते हैं कि ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है, यहाँ हम लोग को आए जो भी हो गया पहले का बात तो छोड़ो, अभी यहाँ से जाने के लिए तैयारी करो। कहाँ जाएंगे, ना अपना घर, वहाँ आप जाएंगे शांति में रहेंगे, वहाँ शांति ही, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारका नेमा विद्युत भाति कुतोयम अग्नि यमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य चंद्र का प्रकाश जिनसे होता है तो वहाँ चलो। ये तो यहाँ सारे हम पर प्रकाश में ही जिए हैं, लेकिन स्व प्रकाश में चलो, वहाँ किसी का आवश्यकता नहीं है। आँख तो मिला है,
लेकिन चश्मा बगैर हम देख नहीं, चश्मा भी हो गया लेकिन प्रकाश नहीं है तो फिर हम पढ़ नहीं सकते, फिर भी उल्टा सीधा भूल चूक हो जाता है। तो इसलिए वहाँ चलिए जहाँ सूर्य चंद्र का भी कोई काम नहीं है। तो इसलिए भगवान बारंबार एक ही बात हमको, केवल गीता भागवत रामायण जितने भी वैदिक वाङ्मय है सारे यही एक ही बात, लेकिन विभिन्न रूप से वो हमको समझाते हैं। कभी कभी हम जब अकलमंद होते हैं तो थोड़े से इशारे से हम समझ जाते हैं, जब अकलमंद नहीं है बुद्धिहीन है तो हमको बहुत सारे कहानियाँ सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारे बुद्धि में वो आरूढ़ नहीं हो पाता है वो बातें। यही अच्छा लगता है, यही ये संसार भौतिक संसार में संस्पर्श जनित सुख जो हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध को प्राप्त करके यही सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन परिणाम इनका दुख में ही अवसान होता है। परिणाम कभी आप नहीं कहेंगे कि नहीं मैं जो सुख भोग रहा हूं वो नित्य है, कभी नहीं हो सकता। अनित्य संसार में नित्य का आशा कैसे कर सकते हैं आप, संसार अनित्य है तो नित्यता इसमें है ही नहीं, तो फिर आप जो सुख प्राप्त करें ये तो सुख है ही नहीं है। जिसको हम सुख मानते हैं ना वास्तव में वो सुख नहीं है, ये दुख का लाघव, ये लाघवता है। जब हमेशा हम दुख भोग रहे हैं, जब दुख का थोड़ा कम हो जाता है हम कहते हैं हम सुखी है, वास्तव में वो सुख नहीं है। सुख तो वही है जो जो दुख का आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद का अवाप्ति वो ही है सुख। और ये जो दुख हम आज सुख हम जब भोग रहे हैं तो थोड़े देर के लिए है ना, आद्यंत अंत कौन थे, आदि अंत वाला है ये, आने जाला आगमा पाइए आने जाने वाला है, कभी टिकता नहीं, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो इसलिए यहाँ पर कोई चिरंतन नित्य सुख का आशा करना ये बुद्धिहीन व्यक्ति का परिचायक है। तो इसलिए भगवान सभी प्रकार से हम लोगों को विभिन्न प्रकार जो भी हम सत्संग माध्यम में और जो भी शास्त्र से गुरु वैष्णव साधु जो भी हमें उपदेश ग्रहण करते हैं, इस सारे उपदेश इस संसार से बाहर जाना है, अपना धाम अपना। तो कैसे वो जो धाम है अपना धाम है, तो ब्रह्मा जी का स्तुति आप पढ़ते हैं रोज, श्रीया कांत कांता कांत परम पुरुष कल्पतरव द्रुमाश क्या है चिंतामणि, तो इसी प्रकार वो चिंतामणि धाम है और वहाँ सारे कल्प वृक्ष हैं और ये जो गायें हैं ये सब कामधेनु है, केवल कामना करते ही आपको सब प्राप्त हो जाते हैं, आपका तो इच्छा हो नहीं सकते अपना आप उपलब्ध हो जाते हैं, कोई कामना का अवकाश नहीं रह जाता है। इस प्रकार हमारे वो चिंतामणि धाम है और जहाँ भगवान स्वयं भक्तों के द्वारा सेवित होते हैं और वही भगवान दिव्य रूप से वहाँ विराजमान है और उनके संग से ही भगवान का संग से ही भक्त आनंद को प्राप्त होते हैं, वही नित्य आनंद है परम सुख है, वही दुख का अभाव है आत्यंतिक दुख का निवृत्ति और परमानंद का अवाप्ति है, वही है सुख है। और संसार में जो हम ये करें ये तो दुख का लेश मतलब लाघवता है, ये सुख नहीं है। तो इसलिए ये मैदानम का जो कहानी है और भगवान श्री कृष्ण का प्रभुता का जो प्रकाश इसमें है, भगवान स्वयं दिखाते हैं
किस प्रकार भक्त शिव जी को संसार में, बहुत लोग कहते हैं कि शिव जी ही संसार का मालिक है। अब ये मैदान के साथ जो घटना हुई है, तो उन्होंने तो सारे दानव को मार डाला, फिर मैदानव ने फिर उनको पुनर्जीवित कर दिया। तो फिर क्या हुआ? तो भगवान अभी दो चीज वहाँ पे, अपना भक्तों का मान रक्षा करते हैं और दूसरे अपना प्रभुत्व को संसार को जताते हैं कि मैं ही अकेले ईश्वर समर्थ हैं और कोई नहीं है। तो इस प्रकार ये कहानी है, आगे भी हम चल कर देखेंगे, समय हो गया। और कुछ प्रश्न है कि मैं कुछ कमेंट्स है? जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।